नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किंग इन किचन में। दोस्तों, जब भी हम घर में रोटी या फुल्का बनाते हैं तो हम कुछ ज़्यादा बना लेते हैं ये सोच के कि किसी को कम ना पड़ जाए, लेकिन कई बार ये होता है कि हमें नेक्स्ट डे वही पुरानी रोटी या फुल्का खाना पड़ता है जो कि किसी को पसंद नहीं है। मेरे को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मैं आपकी इस समस्या का समाधान लेके आया हूँ। आज मैं बना रहा हूँ बची हुई रोटी के साथ एग नूडल्स, यानी कि रोटी एग के साथ मैं आज नूडल्स बना रहा हूँ। तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी है और पुरानी रोटी को आपको खाने में भी मज़ा आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं रोटी एग नूडल्स की रेसिपी।